Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So students, जैसा कि आप जानते हैं हमारा chapter number 8 जो है वो चल रहा है इस time और हम alkane, alkene और alkyne ये तीनों organic families के names किस तरह से compound को give करने हैं उनके rules को study कर चुके हैं. अब further next हम जो study करने लगे हैं students वो है हमारे पास alkane family या इनका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स. ठीक है, तो पहले अल्केन फैमिली के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रेपरेशन को स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले देखें कि अल्केन या पैराफिन ये आपके पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी इनको कहा जाता है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सब सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद हूं, या यूं कह लें कि इसकी चारों की चारों बैलेंसेस कार्बन एटम की इसमें क्या होती हैं, कंप्लीटली सेटिस्फाइड होती हैं. ठीक है, सेकंड थिंग ये रहा इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n. स्टूडेंट ये आपके पास अल्केन्स या पैराफिन्स का क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला. और अल्केन्स का या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीथेन जो है ये सिंपलेस्ट मेंबर है इस फैमिली का. सबसे पहला मेंबर भी मीथेन ही है और इसको सिंपलेस्ट मेंबर भी कहा जाता है. फर्दर इसके अंदर जो बात स्टडी करने वाली है, ईच कार्बन इज sp3ly हाइब्रिडाइज्ड. अल्केन्स के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर सबके सब कार्बन स्टूडेंट क्या होंगे, sp3ly हाइब्रिडाइज्ड होंगे. और जैसे कि आप जानते हैं जोन सा कार्बन sp3ly हाइब्रिडाइज्ड होता है फिर उसकी ज्योमेट्री जो है स्टूडेंट वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जिसके दरमियान एंगल आपको पता है 109.5 डिग्री का होता है. ठीक है, मोर ओवर इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, तो पैराफिन्स में देखें जो वर्ड है पैरा इसका मतलब है स्टूडेंट लिटल, और फिन्स जो है अफिन्स बेसिकली ये क्या है, अफिनिटी टू रिएक्ट. सो अल्केन्स जो है बेसिकली दे आर लेस रिएक्टिव, दे हैव लेस अफिनिटी टू रिएक्ट, यानी कि इनके अंदर रिएक्ट करने की टेंडेंसी जो है या एबिलिटी जो है इनकी वो कम होती है, जिसकी वजह से अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है. ये देखेंगे आप दे आर लेस रिएक्टिव. फ्रेंड्स अब जो है हम डिफरेंट मैथड स्टडी करने लगे हैं अल्केन को प्रिपेयर करने के, और आज ये हमारा आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6 है चैप्टर 8 का, जिसके अंदर हम क्या करने लगे हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड स्टडी करने लगे हैं. आपके बुक के अंदर 6 मेथड टोटल बताए हुए, उसमें से अब ये देख लें इस लेक्चर में हम ये दो डिस्कस कर रहे हैं. पहला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इस मेथड के थ्रू हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी के अल्केन को प्रिपेयर करते हैं. अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है, इस तरह के कंपाउंड जहां कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और हाइड्रोजिनेशन का जो वर्ड लिखा है स्टूडेंट, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एड करना. ठीक है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, के इस तरह कंपाउंड कार्बन के जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इसके अंदर स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे. अब ये देखिए जो हम प्रोसेस स्टडी करने लगे हैं इसको सबाटेज सैंडन प्रोसेस भी या रिएक्शन भी कहा जाता है. ये मैंने जनरल कंपाउंड ले लिया है स्टूडेंट, ये कोई भी अल्कीन हो सकता है. आर आप जानते हैं आर एक अल्काइल्स की चेन होती है, इसके पीछे जितने मर्जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं. तो यहां पर ये डबल बॉन्ड एक आ गया जिस वजह से मैं इसको क्या कहूंगा, ये अल्कीन है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स ये देखेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो ऐड होने जा रही है, ये ऐड होगी H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. स्टूडेंट ये H2 का मतलब आप देखें ये है एक और दो, यू मॉलिक्यूलर स्टेट में हाइड्रोजन मौजूद है. अब इसका इसमें ऐड होने का क्या मतलब है कि स्टूडेंट एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा. ठीक है, जो डबल बॉन्ड है इसमें से जो पाई बॉन्ड होता है आपको मैंने बताया था वो वीकर बॉन्ड होता है, वो यहां से ब्रेक हो जाएगा. और यहां पर देखें तो ये हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. अब जरा गौर कीजिएगा
कि ये एक जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड जो था ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, और यहां पर भी जब बॉन्ड ब्रेक हुआ ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर था, तो इस तरह से ये एक हाइड्रोजन फिर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखें पहले यहां पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, यहां पर दो, बट आफ्टर रिएक्शन इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हो गए और इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन हो गए। दिस इज हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है, उसका एडिशन होना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो यहां से देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाला यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। और ये रिएक्शन की कंडीशंस क्या है कि इसके अंदर हमें कैटलिस्ट चाहिए होगा स्टूडेंट, जो कि कौन सा है, निकल, और 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड होगी कि निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान जब हम किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन के अंदर जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो वहां से हमारे पास अल्केन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली डिस्कस किया था स्टूडेंट, नीचे इसकी मैंने एग्जांपल को डिस्कस किया है। अब ये आप जानते हैं हमारे पास क्या मौजूद है, इथीन है, ठीक है स्टूडेंट। जरा यहां पर गौर से अगेन समझ लें इस बात को, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन यहां रहा, एक हाइड्रोजन यहां रहा, एक हाइड्रोजन यहां रहा और एक हाइड्रोजन यहां रहा। इसको भी मैं अभी यूं ही लिख देता हूं समझाने के लिए। देखें स्टूडेंट्स बेसिकली ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आगे जो दो हाइड्रोजन है, तो देख लें यूं मैं कहता हूं कि ये वो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जब निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो स्टूडेंट एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ और यहां से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बना हुआ था, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया और इसके पास भी वापस आ गया, और यहां से भी जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी उनके पास वापिस आ गए। तो स्टूडेंट अब आप देखें ये वाला हाइड्रोजन फिर लेट्स से इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये वाला इस कार्बन से, इनके दरमियान दोबारा से ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है ऑलमोस्ट बन जाता है। तो अब आप देखें जो कि पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये बॉन्ड टूटने के बाद अब एक हाइड्रोजन यहां लग गई, एक यहां, तो अब इससे देखे कंपाउंड क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे और एक अब यहां भी लग गई, और इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये जो कंपाउंड बना है ये बेसिकली यूं बना हुआ है। अब क्लियर हो गया होगा उम्मीद है आपको कि डबल बॉन्ड यूं ब्रेक होता है और इस तरह सिंगल बॉन्ड बनता है। इस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं और टेम्परेचर जो है ये कंडीशन आपके सामने। स्टूडेंट आगे क्या बताता है, इट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और प्लैडियम। सिर्फ निकल ही ऐसा वाहक कैटलिस्ट नहीं है कि जिसकी मौजूदगी में आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, जबकि ये काम प्लैटिनम और प्लैडियम की मौजूदगी में भी किया जा सकता है। और जब ये दोनों मौजूद होंगे तो ये जो रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस आमतौर पर जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें भी ये रिएक्शन है अगर हो जाएगा। बट इश्यू इज कि प्लैटिनम और प्लैडियम जो है वो एज कंपेयर टू निकल आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फिर हमारे पास इंडस्ट्री में प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल नहीं रहता, तो जिस वजह से फिर निकल को ही इस्तेमाल किया जाता है। एक और जो वेजिटेबल घी को प्रिपेयर किया जा रहा है वेजिटेबल ऑयल से, तो ऑयल बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, तो निकल की मौजूदगी में इंडस्ट्रीज के अंदर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि ऑयल है उससे घी को भी प्रिपेयर किया जा रहा है। तो हाइड्रोजिनेशन जो है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेस इंडस्ट्रीज में भी टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी, ठीक है। तो ये एक मेथड था हमारे पास जिसके थ्रू ये देखें आप अल्केन प्रिपेयर कर रहे थे, यहां पर भी हमने ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया और ये भी एग्जांपल, ठीक है, प्रोसेस और उसकी एग्जांपल पड़ी। अब फ्रेंड नेक्स्ट देखिए आया कहता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अल्काइल आप जानते हैं इसको आर से हम डिनोट करते हैं और हैलाइड्स एच। अल्काइल स्टूडेंट किसी भी अल्केन का रेडिकल हो सकता है, ठीक है, लाइक CH3 जैसे कि मिथाइल था, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, कुछ भी। और उसके अलावा हैलाइड्स जो है ये 7 ग्रुप जो है हमारा हैलोजेंस का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपको पता है ये उनके बाइनरी कंपाउंड्स को कहा जाता है। तो अल्काइल हैलाइड लाइक दिस वन, ये देखें एग्जांपल जो नीचे दिया मैं वो बताया हूं। लेट्स से ये हमारे पास एक अल्काइल है जो कि मिथाइल, और इसके साथ आयोडीन का अटैच हो जाना ये अल्काइल हैलाइड बन गया,
बेसिकली इसका नाम होगा मिथाइल आयोडाइड, बट ये एक अल्काइल हैलाइड बन गया। इसी की एग्जांपल भी हमने आगे स्टडी करनी है। अब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कैसे करता है? स्टूडेंट्स लिखा हुआ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। कि अल्काइल हैलाइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस एसिड की प्रेजेंस में तब अल्केन प्रोड्यूस होगा। अब ये एक्वस एसिड क्या हो सकता है स्टूडेंट? एक्वस का मतलब होता है वाटर, सो हम डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं। और वो डाइल्यूट एसिड कौन सा होगा? HCl लिया जा सकता है या एसिडिक एसिड लिया जा सकता है, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो आप पहले ये रिएक्शन समझ लीजिए क्योंकि ये हमारी कंडीशन है, उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। देखें जैसे कि बात हुई है जिंक प्लस एक्वस एसिड, तो स्टूडेंट ये रहा जिंक और ये रहा HCl हमारे पास एसिड। अब जब रिएक्शन होगा तो यहां से ये H और Cl के दरमियान स्टूडेंट्स बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जिंक मेटल है, इस पे प्लस टू का चार्ज होता है, क्लोरीन माइनस वन, तो जिस वजह से ये दो क्लोरीन जो है जिंक के साथ अटैच होंगे तो स्टूडेंट आप देखेंगे प्लस टू और माइनस टू, जिंक क्लोराइड बन गया। बाकी पीछे क्या रह गए? ये दो हाइड्रोजन के एटम जो के यूं ही आपके पास हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में यहां पर मौजूद रहेगी। एटॉमिक स्टेट का मतलब कि ये भी नेसेंट हाइड्रोजन होगी, ये फ्रेशली प्रीपेयर्ड हाइड्रोजन होगी जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे अल्काइल हैलाइड आ गया हमारे पास, पहले जनरल रिएक्शन की बात हो रही है। अल्काइल हैलाइड को अब ये हाइड्रोजन आप जानते हैं कहां से आई है, ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना जिंक प्लस HCl, तो यहां पर स्टूडेंट ये देखेंगे जिंक क्लोराइड बना और ये वाली जो हाइड्रोजन है वो मैंने ये लिखी हुई है यहां पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारे पास जिंक और HCl में से ही आई है बेसिकली। तो ये देखें ये अल्काइल हैलाइड है और ये वो वाली हाइड्रोजन जो जिंक और HCl के रिएक्शन के बाद आई। तो स्टूडेंट यहां जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दो हाइड्रोजन के एटम है स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन का एटम अल्काइल के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो किसी हैलोजन के साथ अटैच हो जाएगा। दो हाइड्रोजन है ना, तो देखेंगे एक जो है आपके पास इधर और एक इसके साथ, तो RH ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गया? अल्केन बन गया और ये हमारे पास एक HX ये हैलाइड बन जाएगा, बेसिकली हैलोजन का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये मेथड है अल्केन को प्रिपेयर करने का। आगे इसी की एग्जाम्पल है दो जो बुक के अंदर भी गिवन है। देखें अल्काइल हैलाइड वही मिथाइल आयोडाइड, स्टूडेंट यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये दो हाइड्रोजन है आप जानते हैं ये दोनों हाइड्रोजन कहां से हैं, ये देखें अभी हमने स्टडी की है। तो यहां जब बॉन्ड ब्रेक होगा एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगी, तो CH3 था, एक और हाइड्रोजन आ गई तो फ्रेंड्स ये देख लेंगे CH4 हो जाएगा, और अभी एक हाइड्रोजन रहती थी वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो दो थी एक मिथाइल के साथ अटैच हुई, मिथेन बनाया जो कि अल्केन है, और एक जो पीछे रह गया था उसने आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड कंपाउंड बना लिए। ठीक है, एसिड है ये भी एसिड ही होता है। फ्रेंड एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है टू ब्रोमोब्यूटेन, अब आप जानते हैं इसको टू ब्रोमोब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहां से नंबरिंग होगी इधर 1, 2, 3 और 4, तो टू ब्रोमोब्यूटेन। बहरहाल इसमें भी अब आप देखें यहां से स्टूडेंट्स बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन इसी कार्बन साथ यहां पर अटैच हो जाएगी, तो देखेंगे जो CH था ये अब CH2 बन जाएगा यहां पर जाके, और जो दूसरी हाइड्रोजन थी वो ब्रोमीन के साथ अटैच होकर HBr एसिड बना देगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये दो प्रोसेसेस पढ़ लिए अल्केन को प्रिपेयर करने के। देखें ये भी अल्केन ही है ना बेसिकली, मिथेन जो बना है या यहां पर चार कार्बन वाला कंपाउंड है, देखेंगे एक मिथेन बना और ये एक दो तीन चार कार्बन वाला कंपाउंड ये ब्यूटेन बना। ठीक है, तो बेसिकली अब जनरली डिस्कस करें तो ये अल्केन्स ही हमने प्रिपेयर किए हैं। सो दो मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए अल्केन को प्रिपेयर करने के लेक्चर नंबर 6 में, एक हाइड्रोजिनेशन से और एक अल्काइल हैलाइड से। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कोई क्वेश्चन हो फ्रेंड्स आप नो डाउट कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।